वहां गांव में रहते थे, हल चलाते चलाते कविताएं लिखते थे। लेकिन परमात्मा ने चार पंक्तियां उनसे उन्हें भेंट कर दी। उन्होंने कहा कि जल गया घर मेरा, बचा ही क्या है। देखना चाहूंगा आप कितना समर्थन करेंगे अगली पंक्ति पर। जल गया घर मेरा, बचा ही क्या है। जल गया घर मेरा, बचा ही क्या है। बच गया मैं तो फिर जला ही क्या है। समर्थन बढ़ा दीजिएगा। उन्हें लगना चाहिए स्वर्ग में आत्मा होगी कि प्रतिमा में याद की। जल गया घर मेरा, बचा ही क्या है। बच गया मैं तो फिर जला ही क्या है। मेरी मेहनत का नतीजा है मुकद्दर, वरना हाथों की लकीरों में रखा है। मुझे लगता है ये कविता की ताकत है, ये भीतर से आपको मजबूत कर देती। इन पंक्तियों के सम्मान में मैंने लिखा, जाने कितने अनुभवों का है यही बस सार अंतिम। तोड़ नामक मन के रिश्तों का कभी भी तार अंतिम। और आशीर्वाद चाहिए आपका। तोड़ नामक मन के रिश्तों का कभी भी तार अंतिम। जिंदगी की उलझनों से जूझ के जाना ये मैंने, ना कोई भी जीत अंतिम ना कोई भी हार अंतिम। चाहे कितने सुनाता हूँ, सुनिएगा दोस्तों, जीवन की सर्वश्रेष्ठ कविता सुनाता हूँ। निवेदन बस मेरा ये है, जिसे जाना हो उठकर चला जाए, लेकिन 7-8 मिनट आपके बीच हो, बीच में ना उठिएगा। हिंदुस्तान के बाहर मैंने केवल अफ्रीका में एक कविता पढ़ी थी। तंजानिया में गया तो पता नहीं किन लोगों ने सुन ली थी। उन्होंने मेरे खड़े होते ही कहा, जी वो जरूर सुनाई देगा। मैं पहली बार सुनाता हूँ आपके बीच। अच्छा लगे तो जितनी तालियां आप बजा देंगे मैं उतने मन से सुना दूंगा। और मोहब्बत चाहूंगा, मंच का आशीर्वाद चाहूंगा। सबने इतना अच्छा सुनाया ये अंकिता, नई कवित्रियों में मैं सबसे ज्यादा इसे स्नेह करता हूँ। और मैं सच बताता हूँ, इस यात्रा में पहली बार हम साथ हैं कि उसके लिए मैं अब तक 50 बार बेटा बोल चुका हूँ। उसे बिटिया की जैसी लगती है, ऐसा लगता है कि एक छोटी बच्ची है और अपनी बेटी की याद मुझे उसे देखकर आती है। मुमताज ने हमने कितने सालों में कितने कार्यक्रम किए हैं। आशु भाई का तो आशीर्वाद बड़ी पूंजी है। मैं आप तीनों की भी मोहब्बत चाहूंगा, निवेदित करता हूँ। आप सब जानते हैं महाभारत की कथा के बारे में। कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युद्ध हुआ और उस युद्ध में कृष्ण ने यह घोषणा की थी, सब जानते हैं, जो हिंदुस्तान के रहने वाले सब जानते हैं। कृष्ण ने कहा कि मैं इस युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भीष्म ने यह प्रतिज्ञा ली कि मैं कृष्ण से अस्त्र शस्त्र उठवाकर मानूंगा। हम सबके घरों में एक चित्र कई बार लगा रहता है कि कृष्ण के हाथ में रथ का पहिया है, भीष्म जमीन पर बैठे हैं प्रणाम की मुद्रा में और वो उन्हें मारने के लिए दौड़ रहे हैं। वो चित्र ख्याल में रखिएगा, कविता सुनिएगा। भीष्म प्रतिज्ञा मैं निवेदित करता हूं। इस गद्दी के चक्कर ने भारत की हालत गलत की। जब कभी बोलता है गद्दी का चक्कर तो कई बार सामने बैठे वाले लोगों को लगता है हम 73 वर्ष की राजनीति को कोस रहे हैं। 73 वर्ष की राजनीति नहीं है दोस्तों। हिंदुस्तान की जमीन पर गौरी आया, गजनबी आया, पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी आए, अंग्रेज आए, शक आए, हूण आए, चंगेज आए, 2000 वर्षों में किस किस ने हमले नहीं किए। हिंदुस्तान अनेक बार लुटा, अनेक बार पिटा, लेकिन मिटा नहीं, क्योंकि हमारी भीतर की ताकत इतनी मजबूत है कि बाहर के हमले हमारा कुछ नहीं करा सकते। एक बार पूरा सदन तालियां बजाकर आदेश दे, मैं निवेदित करता हूं। और मैं इस गद्दी के चक्कर में भारत की हालत गारत की, और इसी चक्कर में होती दुर्गति मेरे भारत की। ऊंच नीच और भेदभाव भी इसी कथा के हिस्से हैं। वैर भाव सहयोग त्याग के इसमें अंतिम किस्से हैं। इन किस्सों के कारण ही तो कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ, पूरा भारत महायुद्ध से पल भर में आबद्ध हुआ। दोनों पक्षों की रक्षा को तत्पर सभी परिचित थे, और परिचित गण भी तो रखते अपने अपने हित थे। श्री कृष्ण ने महासमर में काम किए थे मिले जुले, दुर्योधन को सेना दे दी और अर्जुन को स्वयं मिले। मैंने कहा तालियों का घन बढ़ाइएगा, मैं पूरी ताकत लगा दूंगा। आप सब जानते हैं कि वो सामने बैठ गए, उन्होंने कहा कि दुर्योधन सामने बैठा है, पहले ये मांगेगा आपको सिराहा बैठेगा। व्याख्या नहीं करूंगा। दुर्योधन को सेना दे दी और अर्जुन को स्वयं मिले। चतुरंगिणी सेना को पाकर दुर्योधन मन में खुश था, लेकिन अर्जुन के मन में भी कहीं नहीं किंचित दुख था। कहा कृष्ण ने महासमर में, ना शस्त्रों को धारूंगा, मात्र सारथी बनकर अर्जुन को रणक्षेत्र उतारूंगा। अर्जुन को नादान समझ दुर्योधन मन में फूल गया,
माधव की मायावी माया को बिल्कुल ही भूल गया। आप जानते हैं कृष्ण के ज्यादातर मायावी रूप बचपन में प्रकट हो गए थे, चाहे वो पूतना राक्षसी का वध हो या कालिया नाग का मर्दन हो, दुर्योधन सबको भूल गया। इसलिए मैंने लिखा, अर्जुन को नादान समझ दुर्योधन मन में फूल गया, माधव की मायावी माया को बिल्कुल ही भूल गया। पितामह ने भी कृष्णा की प्रतिज्ञा के वचन सुने, वचनों को सुनकर मन ही मन जाने क्या क्या भाव बुने। वो पितामह जो तन मन से कौरव सेना को अर्पित थे, वो पितामह जो राजा की गद्दी को सदा समर्पित थे, वो पितामह जो दुर्योधन की सेना के सेनापति थे, वो पितामह जिनके सारे स्वयं काल की ही गति थे, वो पितामह जिनके अस्त्रों शस्त्रों पर लक्ष्य सुअंकित थे, वो पितामह जिनकी शक्ति से सभी देवता शंकित थे, वो पितामह जिनके शस्त्रों से अंबर तक फट जाता था, वो पितामह जिनकी इच्छा से गंगा जल अट जाता था। आप जानते हैं भीष्म की माँ का नाम गंगा था, उन्होंने कहा कि मैं तुझसे गले मिलना चाहता हूं, तो गंगा भी अपने धारों को अलग करती थी। वो पितामह जिनकी इच्छा से गंगा जल हट जाता था, जब सुने उन्होंने वचन कृष्ण के, मन ही मन में मुस्काए, यह सोच चलो मौका आया माधव को झुठलाया जाए। पितामह के यह विचार सुन सहमी सहमी प्रज्ञा थी, एक और कृष्ण प्रतिज्ञा दूजी और भीष्म प्रतिज्ञा। दादा की प्रतिज्ञा सुन अर्जुन मन ही मन विचलित था, क्योंकि उनकी सभी शक्तियों से वह पूरा परिचित था। वह जान चुका था पितामह ने जैसे जो भी ठान लिया, क्रूर काल ने भी उनकी इच्छा को वैसे मान लिया। प्रतिज्ञा पूरी करने को वह कुछ भी कर डालेंगे, कुरुक्षेत्र की इस भूमि को लाशों से भर डालेंगे। मुझ बालक को भी लगता है अब उनसे लड़ना होगा, संभव है कि मृत्यु के चरणों में भी चढ़ना होगा। विचलित अर्जुन के मस्तक पर उभर उठी चिंता रेखा, श्री कृष्ण ने व्याकुल अर्जुन के मुख को देखा। मेरे अमेरिका वाले दोस्तों, न्यूजर्सी वाले मित्रों, अगली दो पंक्तियों में आपको लगे कि मैंने गीता का संदेश कह दिया है, तो एक भी हाथ खामोश मत रखना। पूरे सदन का आशीर्वाद चाहता हूं, मंच का आशीर्वाद चाहता हूं कि विचलित अर्जुन के मस्तक पर, बहुत बहुत आप मोहब्बत दीजिएगा, विचलित अर्जुन के मस्तक पर उभर उठी चिंता रेखा, श्री कृष्ण ने व्याकुल अर्जुन के मुख को देखा, बोल उठे हैं पार्थ, युद्ध से आज अगर डर जाओगे तो संभव है कि तुम जीने से पहले मर जाओ। आप लोग हिंदुस्तान से हजारों मील आकर पूछिएगा जिन लोगों ने यहां अपने घोंसले बनाए हैं, कोई रिश्तेदार नहीं होंगे, कोई मिलने वाले नहीं होंगे, चाहे वो कविता का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, यदि आगे बढ़ना है तो युद्ध तो लड़ना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा, बोल उठे हे पार्थ, युद्ध से आज अगर डर जाओगे तो संभव है कि तुम जीने से पहले मर जाओगे। और कई बार ये कहा जाता है कि कवि प्रस्तुतिकरण के बल पर वीर रस की कविता में जोर से बोल के ताली बजवाता है। मैं दो पंक्तियां बहुत धीमे पढ़ूंगा और ये देखना चाहता हूं आप कितनी देर तक और कितने दूर तक समर्थन कर सकते हैं। मंच को समर्पित करता हूं। बोल उठे हे पार्थ, युद्ध से आज अगर डर जाओगे तो संभव है कि तुम जीने से पहले मर जाओगे। जीने मरने को लेकर यूं चिंता और सिहरना क्या, जब तक तेरे रथ पर मैं हूं तुझको जग से डरना। यह है हिंदुस्तान की तरफ, यहां से भी जाते हैं तो गोवर्धन्ना पांडे भी हरि की जय बोल कर आते हैं। तब निवेदन करना चाहता हूं कि जीने मरने को लेकर यूं चिंता और सिहरना क्या, जब तक तेरे रथ पर मैं हूं तुझको जग से डरना क्या। माधव की बातों से अर्जुन में शक्ति संचार हुआ, कांधे पर गांडीव सजाकर लड़ने को तैयार हुआ। महासमर में वीरों ने निज प्राणों की आहुति दी, पितामह ने अर्जुन को देखा रथ की धीमी गति की, रथ को रोका और रोकते ही पहले ये काम किया। अनुप जी 15 दिन तक सोचा मैंने क्या हुआ होगा, आप सोच कर देखिए क्या हुआ होगा कुरुक्षेत्र के मैदान में जब भीष्म ने अर्जुन को देखा होगा, क्या हुआ होगा। 15 दिन में एक पंक्ति मेरे दिमाग में आई कि रथ को रोका और रोकते ही पहले ये काम किया, माधव को देखा मुस्काए झुककर उन्हें प्रणाम। बस यही मोहब्बत देते रहिएगा, मैं आनंद से तृप्त हूं। लोग कहते हैं अमेरिका में लोग कविता नहीं सुनेंगे, मैं कहता हूं अमेरिका में ही सुनेंगे।
सुने या ना सुने।